Hello and good morning students. Welcome back to the online session class of social studies. So as we have started our history chapter number 5, yesterday I have taught you about the Ashwamedh Yagya, that how the horse wandered freely and the king who stopped that horse will have to fight with that king whose horse was. And in that war, the whosoever will win will become the Raja of that area. Now, even I have taught you about the Varnas, that how the Shudra caste is considered the lower. There were most important four castes, that is, number one, Brahmin, second, Kshatriya, third one was Vaishya, and the fourth one was Shudra. The Shudra caste is considered as the lower caste, and even the women were also considered as Shudra. So today we are going to study about the Janpats. Our new topic is the Janpats. Before starting the topic, I just want that we see this picture here. What they are saying? Painted grayware. Painted grayware means, now see. Plates and bowls are the most common vessels made out of painted grayware. जो plates और जो bowls होते थे वो किससे बने होते थे? Painted grey color से. Now, these are extremely fine to touch. ये बहुत अच्छे होते थे touch करने में. With a nice smooth surface. जो इनका surface होता था, नीचे वाला portion, वो बहुत smooth होता था. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. ये बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए और जो वहाँ के इम्पॉर्टेंट गेस्ट होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था, खाना सर्व करने के लिए, खाना परोसने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, जनपद्स. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीड. द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सैक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज एज बींग राजा ऑफ जनपद्स रादर देन जन्स. नाउ वॉट does this big sacrifice means? ये big sacrifice किसके लिए use हो रहा है? ये big sacrifice use हो रहा है अश्वमेध यज्ञ के लिए. big sacrifice मतलब जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे तो उनको क्या बोला जाता था? राजा ऑफ जनपद्स. जनपद्स, द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड. अंडरलाइन दिस लाइन. द वर्ड जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन. अप टू सेटल डाउन यू हैव टू अंडरलाइन. जनपद का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो रहें, सेटल्ड फूड्स मतलब वहाँ पे रहें और वहीं पे अपनी लाइफ को स्पेंड करें, उसको बोला जाता है जनपद. सम इम्पॉर्टेंट जनपद आर शोन ऑन मैप 4, पेज 57. आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दिस जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर इन नियर मीरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटाहा. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. Now what happened students, जो archaeologists थी, archaeologists मतलब जो history के बारे में study करते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जनपद की sites निकाली. कौन कौन सी sites निकाली? Now you have to learn this, that पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर नियर मीरठ एंड अतरंजी खेला नियर इटाहा, ये कुछ जनपद के नेम हैं. और जो लोग यहाँ पे रहते थे, इन एरियाज़ में जो लोग रहते थे वो किस में रहते थे? हट्स में. एंड वो लोग क्या रखते थे? कैटल्स, भेड़ बकरी वगैरह ये लोग रखते थे और दूसरे एनिमल्स को भी रखते थे. और ये लोग कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे? ये सारी क्रॉप्स दे यूज टू ग्रो, राइस, व्हीट, बाले, पल्सेस, शुगरकेन, सीसम एंड मस्टर्ड. दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन द जनपद्स. नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ द वर्ड जनपद्स. नाउ दे मेड अर्दन पॉट्स. सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड. अभी वी हैव सीन वन पिक्चर लाइक दिस. सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर ओनली हियर, कि ये सारी चीज़ें दे मेड अर्दन पॉट्स, ये सब बनाते थे अर्दन पॉट्स. ये यहाँ के लोग, जनपद में रहने वाले लोग अर्दन पॉट्स बनाते थे और वो किस कलर के होते थे? ग्रे कलर के, जस्ट नाउ आई हैव शो यू. एंड वो रेड कलर के भी होते थे. वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवर.
एक स्पेशल तरीके की पोट्री जो इन्होंने बनाई थी वो थी पेंटेड ग्रेवर विच वी हैव सीन ऑन द प्रीवियस पेज. एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस. अब ये जो पॉट्स होते थे इन पे काफ़ी अच्छी डिजाइंस यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स लाइक दिस सर्कुलर पैटर्न या ऐसे कुछ लाइंस करके होती थी जो कि बहुत सुंदर होती थी. लाइक सी हियर इस पे भी ये लाइंस वगैरह बनी हुई है ना तो ये बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर होती थी. द नेक्स्ट टॉपिक इज महाजनपद. जनपद हमने देख लिया जहाँ लोग रहते थे तो वहाँ के राजा वो सब कहलाते थे जनपद. अब महाजनपद क्या होता है? अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वन नोन एज महाजनपद. अब क्या हुआ, आज से 2500 ईयर्स अगो कुछ जनपद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए और उनका नेम रखा गया महाजनपद. अंडरलाइन दिस, जनपद बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स एंड वन नोन एज महाजनपद. सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप फॉर मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी. मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड. फोर्टिफाइड मतलब हार जाना. काफ़ी सारी इन जो महाजनपद की जो सिटीज़ थी उनकी हर एक अपनी कैपिटल थी जो कि फोर्टिफाइड मतलब दूसरे राजाओं ने उनको जीत लिया था. दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम. तो ये जो महाजनपद थे इनके आसपास बड़े बड़े दीवारें और बड़े बड़े फोर्ट्स वुड्स वगैरह ब्रिक वगैरह ये सब बना दिए गए थे. महाजनपद का मतलब होता है जो एरिया जो जनपद जहाँ लोग रहते हैं जो जनपद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए उनको बोला जाता है महाजनपद. नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द मैप. देयर वर 16 इम्पॉर्टेंट महाजनपद लाइक दिस कंबोजा गंधार कुरु पंचाला कोसाला लाइक दिस. टोटल देयर वर 16 इम्पॉर्टेंट महाजनपद फॉर देम. नाउ आई एम नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन जनपद एंड महाजनपद. नाउ वी आर स्टडिंग डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है. वंस अगेन वी आर सीइंग इट. द टेरिटरी केम टू बी कॉल्ड इज जनपद एंड नंबर ऑफ किंगडम्स एक्सपेंड एंड डेवलप्ड इन टू अ लार्ज किंगडम्स आर कॉल्ड महाजनपद. जो टेरिटरी जो एरिया था जैसे राज्य एम्पायर एम्पायर जो होता था वो महाजनपद और जो छोटा सा राज्य होता था वो जनपद. तो ये जब राज्य एक्सपैंड हुआ बहुत बड़ा बन गया राजा का जो राज्य था वो बहुत बड़ा बन गया तो उसको बोला गया महाजनपद. जना जन इज नोन एज जनपद लोग जन इनको बोला जाता है जनपद. वेर एज सम जनपद बिकेम मोर पावरफुल. अब ये कुछ जनपद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गए जिनको बोला जाता है महाजनपद. नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द डिफरेंस ऑफ जनपद एंड महाजनपद. In the next class, we are going to continue the chapter, but you have to clear this topic so that we can understood the next topic very well. Till then, read it once again, and if you are having any doubt, you can ask me. Thank you.